फ्यूचर, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसकी चिंता हर आदमी को कभी ना कभी सताती तो है। सूरी की लाइफ में भी एक टाइम आया जब उसे लगा कि यार फ्यूचर की बात करना तो जरूरी है, फ्यूचर को प्लान करना जरूरी है। तो बस यहीं से शुरू हुई रेडियो सिटी पे फ्यूचर की बात आरजे सूरी के साथ। फ्यूचर की बात सूरी के साथ, फ्यूचर की बात सूरी के साथ। सूरी ने अपने लिसनर से पूछा कि अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि आज प्लान करेंगे तभी तो आने वाला कल यानी फ्यूचर सिक्योर होगा। और जब आरजे सूरी की ये बात उदयपुर तक पहुंची तो उदयपुर वाले कहां पीछे रहने वाले थे भाई, एक से बढ़कर एक इन्वेस्टमेंट आइडिया सूरी के पास पहुंच गए थे। आज का भरोसा नहीं तो कल किसने देखा यार। सूरी भाई, फ्यूचर प्लान के लिए तो कचौड़ी समोसा के साथ में चाय का लगा लो। अगर फ्यूचर सिक्योर करना है तो मुझे लगता है आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से इन्वेस्ट करना। मेरे हिसाब से फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आप ETF में कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मकान के बारे में सोचना चाहिए, घर के बारे में। लेकिन इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सुनने के बाद अगर सूरी के दिमाग में कुछ था तो वो सिर्फ कंफ्यूजन, और ये कंफ्यूजन सिर्फ कोई एक्सपर्ट ही दूर कर सकता था। तो सूरी ले आया एक फाइनेंशियल एडवाइजर को अपने शो पे। अब भाई इनकी सलाह से अगर सूरी के साथ साथ उसके लिसनर्स का फ्यूचर भी प्लान होता है तो क्यों नहीं। फाइनेंशियल एडवाइजर ने भी सूरी के लाइफ गोल्स को सेट किया और बता दिया, सूरी भाई देखो फ्यूचर अगर आपको अपना सेट करना है ना, और उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने प्लान सेट करने पड़ेंगे, अपने ड्रीम्स जो है अपने डिसाइड करने पड़ेंगे कि किस गोल के लिए पैसा आप बचाना चाहते हैं फ्यूचर के लिए। अब लगने लगा था कि सूरी के फ्यूचर की भी फुल प्रूफ प्लानिंग हो जाएगी, लेकिन इसी बीच स्टूडियो में एक कॉल आया और उस कॉलर ने इस सारी फ्यूचर की बात को ही फालतू बता दिया। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं कौन बोल रहा हूँ, मैटर नहीं करता सर। सर आपका नाम तो बताइए। मैं एक उदयपुर वाला बोल रहा हूँ बस। उदयपुर वाले बोल रहे हैं आप, अच्छा। बताइए सर क्या कहना चाहते हैं आप। जी सर, तो आपका शो सुन रहा हूँ मैं जी 5-7 दिन से। तो आपके आपने ये जो चला रखा है ना कि आप इन्वेस्टमेंट प्लान्स बता रहे हैं, जमीन में इन्वेस्ट करो, सोने में इन्वेस्ट करो, और ये इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें वगैरह वगैरह, ये सब आप जो कर रहे हैं सब वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है। ये सुनने के बाद सूरी को भी लगा कि यार ये क्या बात हुई, मेरे फ्यूचर की बात को कोई कैसे बेकार बता सकता है, कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि ये सब बात फालतू है। अब क्योंकि हमारे पास भी हर कॉलर के नंबर का रिकॉर्ड होता है, तो मैंने भी उस शख्स को दोबारा दूसरे दिन फिर से कॉल किया। आपने कहा कि हम जो ये फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ये सारी बेकार है। क्यों क्यों लगता है, हम सब एक साथ गलत कैसे हो सकते हैं? अच्छा, पिछली बार झीले भरी थी क्या? पिछली बार झीले नहीं भरी, बारिश नहीं हुई। हाँ वही, और राजस्थान में हाईएस्ट टेम्परेचर क्या था? मेरे हिसाब से चुरू में रहता है सबसे ज्यादा गर्म, तो वही रहा होगा 52 के आसपास कुछ। हाँ चुरू में 52 डिग्री था टेम्परेचर, खड़े खड़े इंसान जल जाए जैसा। अरे मैंने तो न्यूज भी पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था कि वो आने वाले 2030 तक तो लगभग दुनिया खत्म हो जाएगी, और तब बात करनी है ना तो इस कल की कल। और ये पूरी बात सुन के सूरी को भी लगा कि इस उदयपुर वाले की बात तो सही है, नेचर को हमने बहुत नुकसान पहुंचाया है, कटते पहाड़, बढ़ती गर्मी, सूखती झीलें, कम बरसात, ये सब कुछ नेचर को हुए नुकसान के ही साइड इफेक्ट्स तो हैं। तो बात साफ थी कि अगर फ्यूचर की बात करनी है तो सबसे पहले नेचर की बात करनी होगी, और यही से रेडियो सिटी पर एक बार फिर शुरू हुई फ्यूचर की बात। लेकिन इस बार सूरी के फ्यूचर की बात नहीं, उदयपुर के और हम सब के फ्यूचर की बात। तब रेडियो सिटी ने कहा, इन्वेस्ट इन अ ट्री, इट विल सेट यू फ्री। बात भी सही है, पेड़ अगर होंगे तो हम होंगे, ये भरी झीलें होंगी, ये हरी भरी पहाड़ियां होंगी, और ये नीला आसमान होगा। और फिर पूरे उदयपुर में रेडियो सिटी के साथ की फ्यूचर की बात, इस मॉनसून 3,000 से भी ज्यादा पेड़ लगा के। रेडियो सिटी की जो ये इनिशिएटिव है फ्यूचर की बात, जैसे ही ये प्रपोजल हमारे सामने आया, टीम हमारे सामने आई, तो हमने बगैर समय गवाए इस चीज़ पे अपना योगदान देना और इसमें बढ़ चढ़ कर साथ लेना, हमने इसको अपना एक ध्येय बनाया और हम इसको बहुत सपोर्ट करते हैं। हमने करके दिखाया है।
खुद को ये समझाया है, हमने करके दिखाया है, खुद को ये समझाया है, महफूज रखेंगे धरती को, महफूज रखेंगे अंबर को, अब ये सबने दोहराया है, दोहराया है, दोहराया है। मानना है आज के तारीख में और आने वाले समय के लिए सबसे रेलेवेंट सब्जेक्ट यही है। जो ये प्रोग्राम चल रहा है फ्यूचर की बात, ये बहुत अच्छा चल रहा है। क्या मैं ये सोचता हूँ कि मेरी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए मैं क्या क्या उदयपुर छोड़ के जाऊँ? तो आइए इस मुहिम को रुकने मत दीजिए, आप सब मिलकर कीजिए फ्यूचर की बात, एक पेड़ एक कोशिश करके देखिए, और साथ ही यहाँ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए आप किस में इन्वेस्ट करने वाले हैं, फ्यूचर में या नेचर में। फ्यूचर के बाद सूरी के साथ, फ्यूचर के बाद। रेडियो सिटी जिस मुहिम पे काम कर रही है, मैं तहे दिल से रेडियो सिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। फ्यूचर की बात सूरी के साथ करता हूँ, फ्यूचर की बात सूरी के साथ, फ्यूचर की बात सिर्फ आरजे सूरी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील पाल, और सिटी जो है हरी हरी हो तो मजा आता है, तो पेड़ लगाएंगे। This is Jubal Nautiyal. As many trees as possible this monsoon, ensure your support for future की बात सूरी के साथ।